रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सॉलिड्स इन एवरीडे लाइफ। बहुत सारी जगहों पे हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं एक्सपेंशन ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, जैसे कि कंक्रीट रोड्स जो बनाई जाती हैं, क्योंकि रोड्स तो हर वक्त धूप में होती हैं या बाहर होती हैं, गर्मी में वो एक्सपेंड होती हैं और सर्दी में वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। सो कंक्रीट की रोड जो है उसको ब्लॉक्स के फॉर्म में डाला जाता है, मतलब एक फुल बड़ी रोड नहीं बनाई जाती बल्कि ब्लॉक्स के फॉर्म में, सेक्शंस के फॉर्म में डाला जाता है और उन सेक्शंस के बीच में गैप्स होते हैं। उस गैप को एक रबर लाइक कंपाउंड होता है पॉलीसल्फाइड सीलेंट, उससे फिल किया जाता है। जब गर्मियों में ब्लॉक्स फैलते हैं तो ये जो रबर कंपाउंड है ये श्रिंक हो जाता है। सर्दियों में जब ये कंक्रीट स्लैब्स या सेक्शंस सुकड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये मटेरियल जो है ये एक्सपेंड होकर गैप को फिल कर देता है। सो गैप्स इन कंक्रीट सर्फेसिस आर फिल्ड विद रबर लाइक कंपाउंड्स विच हेल्प इन फिलिंग द गैप ड्यूरिंग विंटर एंड श्रिंकिंग ड्यूरिंग समर। अच्छा, रेलवे ट्रैक्स जो है ना ये लंबे लंबे होते हैं और अगर इनके बीच में गैप ना डाला जाए या थर्मल एक्सपेंशन का ख्याल ना रखा जाए तो ये ऐसे टेढ़ी हो जाती है। लुक एट दिस अनदर फिगर, जहाँ पे शदीद गर्मी से रेलवे ट्रैक इस हद तक टेढ़ी हो गई। ऐसी टेढ़ी रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रेन तो नहीं गुजर सकती, डीरेल हो जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है, रेलवे ट्रैक्स के थोड़े थोड़े फासले पे या तो इस तरह के टेपरिंग ओवरलैप्स बना दिए जाते हैं। ये लॉन्ग रेल जो टेपरिंग ओवरलैप्स हैं ये उनके बीच में गैप है और ये गैप सर्दियों में बढ़ जाएगा क्योंकि मेटल कॉन्ट्रैक्ट करेगा सर्दियों में, और गर्मियों में ये गैप कम हो जाएगा। एक और तरह के एक्सपेंशन जॉइंट्स मेटल रेलवे ट्रैक्स में डाले जाते हैं। ये देखें, इस वक्त गर्मी का मौसम है इसलिए इस गैप, ये गैप यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ये देखें, ऐसा ही एक एक्सपेंशन जॉइंट ड्यूरिंग विंटर, विंटर में दोनों तरफ की मेटल की रेलवे ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो बीच में इतना ज़्यादा गैप आ गया। इसी तरह बड़े ब्रिजेस जो डाले जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उसमें भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ख्याल रखा जाता है। ब्रिज, स्पेशली वो वाले ब्रिज जो के पूरे मेटल के बने हुए हैं, उसमें टेम्परेचर चेंज की वजह से कंसिडरेबल अमाउंट में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसलिए क्या किया जाता है, ब्रिज का एक एंड फिक्स होता है और इसमें कोई स्पेस नहीं होती। जो दूसरा एंड होता है ब्रिज का, उसको डायरेक्टली अटैच नहीं किया जाता, थोड़ा सा गैप रखा जाता है और उस एंड को सपोर्ट किया जाता है बड़े बड़े रोलर्स के ऊपर। उस रोलर से क्या फ़ायदा होता है कि समर में जब ये ब्रिज एक्सपैंड करेगा तो ये इस गैप को फिल कर देगा, और विंटर में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा। गाड़ियों के लिहाज से ये इतना बड़ा गैप नहीं है, आसानी से गाड़ियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन अगर ये गैप ना रखा जाए और ब्रिजेस के एंड को एक्सपेंशन रोलर्स के ऊपर ना अटैच किया जाए तो ब्रिज टेढ़े हो सकते हैं, बकल हो सकते हैं और फिर उनके टूटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। लुक एट दिस, दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ एक्चुअल रोलर अंडर द ब्रिज, और इस तरह के बड़े रोलर्स होते हैं जिनको ग्रीस करके स्मूथ रखा जाता है ताकि जो ब्रिज का एंड है वो ईजिली इसके ऊपर रोल करके एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सके। अच्छा, ऐसे लार्ज ब्रिजेस जो कि कंक्रीट के बने होते हैं या रोड मटेरियल के बने होते हैं, उसमें इस तरह के एक्सपेंशन जॉइंट्स डले होते हैं। आपने सेंटोरस के पास जो ओवरहेड ब्रिज है उसके ऊपर गुजरते हुए नोट किया होगा कि गाड़ी जब चलती है तो थोड़ी देर बाद टक 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 की आवाज़ आती है, और अगर कभी आप रश ना हो और आप उतर के देखें या गाड़ी हल्की चल रही हो तो कम स्पीड में आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के एक्सपेंशन जॉइंट्स नजर आएंगे। ये रोड मटेरियल है, ये रोड मटेरियल है, इसके बीच में ये एक्सपेंशन जॉइंट डाला गया है जो कि ब्रिज का एक्सपेंशन जॉइंट है, ठीक है जी। और ये हिस्सा जब एक्सपेंड करेगा और ये हिस्सा एक्सपेंड करेगा तो ये दोनों पीसेस करीब आ जाएंगे टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, और सर्दी में इनके दरमियान गैप बढ़ जाएगा। अभी ये देखें, आपको ये फोटोग्राफ कब की लग रही है, गर्मी की या सर्दी की, सोचें इस बारे में। ये टू मेटल कॉम्स होती हैं फेसिंग वन अनदर, और हीट जो है इसकी वजह से ये एक्सपेंड करके जॉइंट्स करीब आ जाते हैं और सर्दी में ये कूल होकर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो कंक्रीट
का ब्रिज है या रोड मटेरियल ब्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा है, वो एक पीस में नहीं बनाया जाता, अदरवाइज गर्मी में एक्सपेंशन और सर्दी में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो बकल होना शुरू हो जाएगा और जल्दी वियर एंड टियर का डैमेज का शिकार होगा। पाइपलाइंस, पर्टिकुलरली हीटिंग सिस्टम, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम क्या होता है, आपने बड़े हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि हॉस्पिटल में एंटर हो तो पूरा हॉस्पिटल जो है वो गर्म होता है, ठीक है ना, या कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं पाकिस्तान में, फिर भी कम ही है। बहरहाल लार्ज सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जिसमें जहाँ होते हैं वहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जाते हैं जो कि कॉपर की पाइप्स को इस तरह जोड़ते हैं कि वो एक्सपेंड भी कर सके और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सके। ये देखें, ये जो एक्चुअली सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में स्टीम होती है जो एक बड़े बॉयलर में बन रही होती है और फिर पूरी बिल्डिंग में उस कॉपर पाइप्स के जरिए मूव करती है। अब ये कॉपर पाइप है, ये भी कॉपर पाइप है, अगर ये कंटिन्यूस हो बिल्डिंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो स्टीम की हीट की वजह से कॉपर जब एक्सपैंड होगा तो वो पाइप टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और जल्दी टूट जाएगा, और सर्दियों में जब वो बंद किया जाएगा हीटिंग सिस्टम किसी भी टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉपर जो है ना वो ज़्यादा एक्सपैंड और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो उस सूरत में भी उसके ऊपर प्रेशर आएगा और वो टूटेगा। तो इसके दरमियान इस तरह के एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जाते हैं और ये जॉइंट्स पे इधर रबर सील होती है और बीच में एक्सपेंडेबल प्लेट्स होती हैं जो कि पाइप के दरमियान स्टीम के गुजरने का रास्ता भी प्रोवाइड करती हैं और किसी हद तक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। बहुत जगहों पे अब इस तरह के भी एक्सपेंशन जॉइंट्स पाइप के लिए यूज़ होते हैं। बीच में एक ऐसा टेम्परेचर रेजिस्टेंट रबर मटेरियल होता है जो फैल सकता है जब एक्सपेंशन की ज़रूरत हो और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जब टेम्परेचर लो हो। इसी तरह पावर लाइंस यानी जो खंभों के ऊपर बिजली की तारें वगैरह जा रही होती हैं, वो अगर समर में डाली जाएँ तो उनको थोड़ा सा स्लैक रखा जाता है, यानी वो ड्रूप डाउन हो रही होती हैं, यानी थोड़ी सी ढीली डाली जाती है। अगर विंटर में डाला जाए तो उनको सीधा करके डाला जाए, क्यों, क्योंकि विंटर में जो पावर लाइन्स हैं वो लो टेम्परेचर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और समर में वही यही खंबे अगर गर्मियों में होंगे तो ऐसे नजर आएंगे, सर्दियों में होंगे तो ऐसे नजर आएंगे, ठीक है जी। आपने देखा होगा बड़े बड़े खंबे जो जिन पे पावर लाइन्स जा रही होती हैं उस पे अगर गर्मियों में आप नोट करें तो वो तारें लटक लटक के नीचे से आ रही होती हैं, लेकिन अगर सर्दियों में देखें तो बहुत सीधी सी भी होती हैं। सो इनके डिस्टेंस और मटेरियल की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिहाज से इसमें स्लैक रखा जाता है ड्यूरिंग समर, ताकि विंटर में वो कॉन्ट्रैक्ट हो फिर भी डैमेज ना हो, अदरवाइज अगर गर्मियों में इनको बिल्कुल स्ट्रेट करके डाल दिया जाए तो सर्दियों में इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनके जो पोल्स हैं खंबे वो टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो सकते हैं। इसी तरह टेलीफोन लाइन्स में भी जो ओवरहेड केबल्स होती हैं उनको इसी तरह थोड़ा सा ढीला रखा जाता है गर्मियों में, ताकि वो सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होके प्रॉपरली फिट हो सकें। अच्छा, ब्रेकेज ऑफ सॉलिड्स, ग्लास और सिरामिक जो है वो ब्रिटल है और अगर गिरे तब भी टूट जाता है, और अगर उस पर अनइवन टेम्परेचर हो उससे भी वो अनइवन एक्सपेंशन से टूट जाता है। आपने देखा होगा कभी किसी ग्लास में अगर ज़्यादा ठंडा शरबत डाल दें या बर्फ़ ज़्यादा डाल दें तो तब भी वो टूट जाता है, और कोई कप्स ऐसे होते हैं या कोई बर्तन ऐसे जिसमें ज़्यादा गर्म पानी या कोई भी गर्म मटेरियल ज़्यादा डाल दी जाए, चाहे तेज़ गर्म डाल दी जाए तो वो उसमें क्रैक आ जाता है। क्यों, क्योंकि अगर लेट सपोज इस ग्लास में मैंने बहुत गर्म चाय डाल दी तो क्या हुआ कि अंदर से वो तेज़ी से एक्सपैंड होना शुरू किया, बाहर वाली लेयर्स अभी उतनी गर्म नहीं हुई थी, बाहर वाली अभी अपनी जगह पे कायम थी लेयर्स और अंदर वाली लेयर्स एक्सपैंड करने लगी, अनइवन थर्मल एक्सपेंशन हुई जिसकी वजह से क्रैक आ गया और वो मटेरियल सारा सारी चाय यानी मेरी गिर गई। पता नहीं आपने इस तरह चीज़ें तोड़ी हैं या नहीं, लेकिन मैंने तो जग, ग्लास, टी कप्स और बहुत सारी चीज़ें इस तरह थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अनइवन होने की वजह से मेरे हाथ से टूटी हैं, और इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आई हुई कि ये कैसे होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।